तो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लिंक चेन पेयर, और हमने हमने कुछ लिंक की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फाइंड आउट करी थी। अब हम अगले क्लास में देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो कुट्ज़बेक इक्वेशन थी, उससे ही हमारे से रिलेटेड एक और इक्वेशन बनती है, वो होती है ग्रेबलर्स इक्वेशन। यहाँ पर ये देखना इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो कुज़बेक जो थी इक्वेशन, वो थी 3L-1-2J-H। अगर हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 रखें और हायर पेयर को हम यहाँ पर 0 माने, तो हमारी इक्वेशन कैसे चेंज हो रही है। यहाँ देखिए, हमने एफ की वैल्यू 1 रखी, 3L-3, यहाँ से इसको हमने खोला, और -2H, जैसा कि एच इक्वेस टू था 0, 1 आ गया। यहाँ से 3L-3-2J हो गया 3L-2J-4=0। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आती है जिसे हम कहते हैं ग्रेबलर्स इक्वेशन। हमेशा इस इक्वेशन से यहाँ से ये पता चलता है कि 3L जो है वो हमेशा एक इवन नंबर होना चाहिए, और हमेशा मिनिमम लिंक जो है किसी भी मशीन या फिर मैकेनिज्म में हमेशा वो 4 होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आगे तक ध्यान रखें आप। अगला है 4-बार मैकेनिज्म, ये हम इसको हम आराम से आगे के टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे आराम से, इसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ। अब हमारे पास एक और टॉपिक इन्वर्जन। इन्वर्जन से पहले ये देखना ज़रूरी है कि हमने देखा था, सबसे पहले होता है लिंक, लिंक से बनता है पेयर, पेयर से बनती है चेन, चेन से बनता है मैकेनिज्म। अब यहाँ पर ये देखना है कि इन्वर्जन कैसे फाइंड आउट होता है। मैकेनिज्म जब हम अपना बना चुके हैं चेन से, तब अगर किसी एक लिंक को, सपोज करो हमारे पास 4 लिंक है, अगर हम उसके बारी बारी से पहले फर्स्ट लिंक को फेस कर रहे हैं, फिर हमारे पास सेकंड लिंक, फिर थर्ड लिंक, फिर फोर्थ लिंक, तो इस तरह से ये हो गया कि हम 4 लिंकों को अलग अलग अगर उसको फिक्स कर रहे हैं, तो हमारे पास 4 अलग अलग इन्वर्जन आएंगे। हमेशा ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक और है कि नंबर ऑफ लिंक अगर एल हैं, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन जो होंगे या तो वो एल से या तो वो L के बराबर होंगे या फिर L से कम होंगे। मतलब अगर 4 लिंक है, तो इसका मतलब ये है कि 4 इन्वर्जन तो होंगे ही। अब गाइस आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये मशीन के लिए, इसको हम बोलते हैं ग्रासियस लॉ। इसके अंदर इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, इसके हम लॉ को समझते हैं। ये बोलता है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक, अगर शॉर्टेस्ट लिंक की अगर लेंथ अगर अपने पास एस है, और अगर लॉन्गेस्ट लिंक की अगर लिंक जो हमारे पास लेंथ है वो एल है, इन दोनों का सम, सपोज करो वो हो गया S+L, वो बाकी दो लिंक है जो बाकी दो लिंक से कम या फिर ज़्यादा हैं, अगर बाकी दो लिंक पी और क्यू हैं, तो ये वाला लॉ जो है वो पूरा सेटिस्फाइड होता है। इसका मतलब अगर ये लॉ अगर सेटिस्फाइड होता है, इसका मतलब हमें एक कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन हमेशा मिलता रहेगा। मतलब कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन के लिए ग्राशॉफ लॉ का सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। फिर से देखते हैं, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक का सम नॉट बी ग्रेटर देन द अदर टू लिंक्स, मतलब अगर उन दोनों का सम अगर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर 3 पॉइंट है हमारे पास। फर्स्ट, अगर हमारे पास शॉर्टेस्ट लिंक को अगर हम ऐसे फिक्स करते हैं, तो ये वाला डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनता है। अगर शॉर्टेस्ट लिंक के पास वाला मतलब एडजेसेंट को हम अगर करते हैं, तो वो क्रैंक रोकर लिंक बनता है, क्रैंक रोकर मैकेनिज्म बनता है। और अगर शॉर्टेस्ट के जस्ट अपोजिट वाले लिंक को करते हैं, तो हम जिसे हम क्या बोलते हैं कपलर बोलते हैं, उसको हम डबल रोकर बोलते हैं। यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट हमेशा किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर गेट में पूछे जाते हैं कि अगर शॉर्टेस्ट लिंक को अगर फिक्स कर दें तो कौन सा मैकेनिज्म है, और अगर शॉर्टेस्ट के अपोजिट वाले को कर दें तो कौन सा लिंक बनता है। अब यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 4-बार लिंक मैकेनिज्म है, तो उसके सबसे पहले हम उसके कंपोनेंट को समझते हैं। सपोज करो हमारे पास 4 लिंक हैं, 1, 2, 3, 4 नाम दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, ये वाला 4 लिंक से बन गया। अब चूंकि हमें एक लिंक यहाँ से फिक्स करना है, तभी हमारे पास वो एक बनेगा,
एक लिंक फिक्स्ड हो गया है, तो अब इससे इन्वर्जन बन सकता है और मैकेनिज्म बन सकता है। सबसे पहले हम इसके पार्ट देखते हैं। एक लिंक, फर्स्ट लिंक जो है वो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड लिंक। जिस लिंक के को जब हम जिस लिंक को हम अगर वो देते हैं रोटेशन देते हैं, सपोज करो हमने इसको रोटेशन दिया है, उस लिंक को हम कहते हैं क्रैंक, क्योंकि क्रैंक जो है वो पूरा अपना एक पूरा एक रिवोल्यूशन करता है यहाँ पर, एक पूरा रिवोल्यूशन के साथ करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्रैंक। थ्री लिंक जो दो लिंक को जोड़ता है उसको हम कहते हैं कपलर, जो हमारे पास थर्ड लिंक है। फोर्थ जो हो गया वो हमारे पास ये होता है रोकर, क्योंकि ये ऑस्किलेट करता है। तो यहाँ से चार पॉइंट आ गए। इसको हम बहुत बार इसको कनेक्टिंग रोड भी कहा जाता है, और इसको हम रोकर के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम अगर वहाँ से देखा जाए कि अगर एक लिंक फिक्स्ड है, अगर शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, डबल क्रैंक हो जाएगा। शॉर्टेस्ट लिंक जस्ट पास वाला एडजेसेंट वाला को फिक्स कर दिया जाए तो क्रैंक और रोकर मैकेनिज्म हो जाएगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। और अगर हम इसके एडजेसेंट मतलब जैसे कपलर को, हम इसके ऑपोजिट वाले को अगर जैसे कपलर को फिक्स कर दें, तो वहाँ पर डबल रोकर हो जाता है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम देख रहे थे। तो आप भी ये ध्यान रखिए कि इसके इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी कैसे यहाँ से डिफाइन हो रहे हैं। अब जैसा कि एक टॉपिक चल रहा है अपना टाइप्स ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन हमने देख लिया, हमने ग्राशॉफ लॉ देख लिया था, इन्वर्जन के डेफिनेशन हम यहाँ से सीख चुके हैं। हमारे पास इन्वर्जन है फोर बार चेन, एक है हमारे पास सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, एक है हमारे पास डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। अब यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं फोर बार चेन। फोर बार चेन जैसा कि हमने अभी पहले देखा था कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं, एक होता है हमारे पास फिक्स लिंक, एक होता है हमारे पास क्रैंक, एक होता है कपलिंग कपलर, और एक होता है रोकर। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, फोर बार चेन में हमेशा चार टीपी, टीपी का मतलब होता है टर्निंग पेयर। हमारे पास फोर बार चेन जब भी आती है तो हमारे पास कितने होते हैं टर्निंग पेयर, चार टर्निंग पेयर हैं। हमारे पास यहाँ पर दो एग्जांपल हैं। ये वाला एग्जांपल सपोज करो, ये एक व्हील है, ये भी एक और व्हील है। इसको हमने पहले यहाँ से बनाया, एक दो तीन चार, तो हमारे पास एक लिंक ये रहा, दूसरा लिंक ये रहा, थर्ड लिंक ये रहा और फोर्थ लिंक ये रहा। फर्स्ट लिंक जो है ये हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड लिंक है। सेकंड जो है इसको हमने रोटेशन यहाँ से प्रोवाइड करा, तो टू लिंक जो है वो आपका क्या हो गया, क्रैंक हो गया। थर्ड लिंक जो है ये दोनों को कनेक्ट करा, इसका मतलब ये वाला आपका हो गया कपलर, और फोर्थ ये आपका हो गया रोकर। तो जब अगर इस फर्स्ट को अगर टू से जब अपन इसको यहाँ से रोटेशन दे रहे हैं, तो टू से ये थ्री भी यहाँ से रोटेट होगा और ये फोर यहाँ से रोटेट होगा। इसका मतलब ये क्या है, एक लोकोमोटिव व्हील, जैसा कि हम रेलवे में देखते हैं। तो ये सेम ऐसा हो गया कि अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ से टर्निंग पेयर कैसे हुए। इसका मतलब वन और टू दोनों लिंक जो है ये दोनों क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला ऐसा मूव कर रहा है। टू और थ्री भी दोनों टर्न पेयर कर रहे हैं, ये आगे की तरफ बढ़ेगा। थ्री और फोर भी यहाँ से टर्न पेयर कर रहे हैं, टर्निंग है इसके अंदर, और वन और फोर भी यहाँ से टर्न कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर यहाँ से चल रहे हैं। तो ये चारों हमारे पास टर्निंग पेयर हो गए। इसका फोर बार लिंक का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये है बीम इंजन। इसको हम बीम इंजन को हम बोलते हैं क्रैंक और लीवर मैकेनिज्म। यहाँ देखना इम्पोर्टेंट है कि ये वाला फर्स्ट लिंक है हमारा, ये वाला सेकंड लिंक है, ये थर्ड और ये फोर्थ लिंक। यहाँ पर फर्स्ट लिंक जो है ये हमारे पास ये लिंक है जिसको हम यहाँ से सिलेंडर भी बोलते हैं, और ये वाला लिंक हमारे पास फिक्स्ड है। सेकंड जो है वो हमने इसको रोटेशन दे रखा है जिसको हम बोलते हैं क्रैंक। थर्ड है हमारे पास कनेक्टिंग रोड, और फोर्थ है लीवर जो कि लीवर की तरह एक्ट करता है। अब चूंकि यहाँ पर फोर बार चेन में किया क्या जाता है, फर्स्ट लिंक से सेकेंड लिंक के अंदर यहाँ से हमने इसको रोटेशन प्रोवाइड किया। जैसे रोटेशन प्रोवाइड किया, इसका मतलब क्रैंक जो है ये वाला मूव करेगा। यहाँ से क्रैंक अगर मूव करता है, तो यहाँ से आपका पिस्टन जो है वो यहाँ से अप और डाउन मूव करेगा। लीवर अगर टू यहाँ से मूव करता है, तो यहाँ से थ्री भी यहाँ से मूव करेगा, और फोर्थ लीवर के थ्रू यहाँ से, तो ये अप एंड डाउन मोशन यहाँ से मूव करता रहेगा सिलेंडर के अंदर। तो इसके अंदर तो फिर अपने पास यहाँ पे भी चारों टर्निंग पेयर है। इसका मतलब फोर बार चेन में हमेशा चार चार हमारे पास टर्निंग पेयर होते हैं। इसके दो हमने एग्जाम्पल देखे, जैसा कि एक तो होता है लोकोमोटिव और व्हील्स मतलब रेल में जो काम आता है, और दूसरा हमारे पास बीम इंजन जिसे हम क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म कहते हैं। ये क्रैंक और लीवर मैकेनिज्म और फिर रेल व्हील दोनों इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दूसरा इन्वर्जन था सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, अब इसके नाम से पता चलता है कि यहाँ पर एक जो पेयर होगा वो आपका होगा स्लाइडर। अब ये चीज़ कैसे हो रही है, अच्छा हमेशा
चार लिंक होना जरूरी है, ये तो हमें पता ही है। इसके अंदर एक क्या होता है, स्लाइडर पेयर होता है, और तीन टर्निंग पेयर होता है, मतलब चार हो गए इसके अंदर। अब देखते हैं कैसे। हाँ, हमारे पास यहाँ पे एक आईसी इंजन का एग्जांपल है। ये अपना लिंक वन है, ये लिंक टू, ये लिंक थ्री, और ये लिंक फोर। लिंक वन जो है ये पूरा है, ये लिंक वन जो है ये आपका, ये आपका लिंक वन फिक्स्ड है, हम जिसे सिलेंडर कहते हैं। लिंक टू जो यहाँ से हमने इसको रोटेशन दिया है, इसका मतलब लिंक टू ये क्या हो गया हमारे पास, क्रैंक हो गया। लिंक थ्री हमारे पास ये क्या हो गया, कनेक्टिंग रोड हो गया। और लिंक फोर जो है वो आपका पिस्टन हो गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पर एक स्लाइडिंग पेयर और तीन टर्निंग पेयर कैसे बन रहे हैं। अगर हम टू के अंदर हम इसका यहाँ से अगर हम देखते रोटेशन देते हैं, तो टू से ट्रांसफर होगा थ्री में, और थ्री के बाद जो है वो फोर में ट्रांसफर होगा। फोर के ट्रांसफर के बाद जैसे ट्रांसफर होगा, इसका मतलब यहाँ पर स्लाइडर है, मतलब जो पिस्टन का काम कर रहा है वो कनेक्टिंग रोड के थ्रू, तो ये यहाँ से अपना स्लाइड करेगा। ये अगर स्लाइड करता है, इसका मतलब ये एक क्या है हमारे पास, एक स्लाइडिंग पेयर बन रहा है जो कि टू एंड फ्रो मोशन करेगा। अब सेकेंड वन और टू लिंक के बीच में क्या होगा, पूरा टर्निंग पेयर बन रहा है। टू और थ्री के बीच में टर्निंग पेयर बन रहा है, थ्री और फोर के बीच में टर्निंग पेयर बन रहा है, मतलब वन टू, टू थ्री और थ्री फोर। लेकिन फोर और वन के बीच में जो कि सिलेंडर और फिर अपना पिस्टन है, यहाँ से क्या बन रहा है हमारे पास, एक स्लाइडिंग पेयर। इसलिए इसको हम कहते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। ये वाला अपना टाइप ऑफ इन्वर्जन में सेकेंड टाइप है। आगे हम देखते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। यहाँ पे साफ पता चलता है, जब हमने पहले सिंगल स्लाइडर देखा तो वहाँ पे कितने स्लाइडर थे, एक स्लाइडर, यहाँ पर डबल स्लाइडर, मतलब यहाँ पर दो स्लाइडर है। इसका मतलब दो यहाँ पर स्लाइडर पेयर होंगे और दो हमारे पास क्या होंगे, टर्निंग पेयर होंगे। सबसे पहले अच्छा, डबल स्लाइडर क्रैंक के अंदर जो जो हम देखते हैं वो होता है स्कॉच योक मैकेनिज्म। इसको हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक हमारे पास लिंक फिक्स्ड है, यहाँ सेकंड लिंक हमारे पास क्रैंक है, थर्ड लिंक के हमारे पास ये वाला स्लाइडर है, और ये वाला स्लाइडर फर्स्ट है, और फोर्थ लिंक जो है ये हमारा स्लाइडर टू है। तो हम इसको सेटिंग से देखते हैं। आप वापस लिंक वन यहाँ से फिक्स्ड हो गया, लिंक टू यहाँ से क्रैंक है ये वाला, और हमने इसको यहाँ से रोटेशन प्रोवाइड किया। चूंकि जब ये अगर हमारे पास यहाँ से रोटेशन अगर हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला जो स्लाइडर है, ये वाला स्लाइडर अप एंड डाउन मोशन करेगा। इस अप एंड डाउन मोशन की वजह से जो ये जो पिस्टन है, या फिर ये जो स्लाइडर है, ये वाला स्लाइडर आगे की तरफ मूव करेगा, तो इसका मतलब ये भी स्लाइड कर रहा है और फिर ये भी स्लाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पर हमारे पास दो स्लाइडर हो गए। वन और टू के अंदर हमारे पास एक क्या बन रहा है, टर्निंग पेयर बन रहा है। टू और थ्री के अंदर एक और टर्निंग पेयर, और थ्री और फोर के अंदर स्लाइडर, और फोर और वन के अंदर स्लाइडर। इसका मतलब हमारे पास दो यहाँ से स्लाइडर पेयर आ रहे हैं, और दो हमारे पास क्या है, टर्निंग पेयर। इसको हम देखते हैं स्कॉच योक मैकेनिज्म में। अब यहाँ पर डबल स्लाइडर क्रैंक में एक और एग्जांपल है इलेप्टिकल ट्रेमल। इसको हम इलेप्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास पाथ जो होता है, ट्रेस होता है, वो पूरा इलिप्स बनता है, इसलिए हम इसको इलेप्टिकल ट्रेमल बोलते हैं। यहाँ पर भी सेम, चूंकि ये वाला भी डबल स्लाइडर है, तो इसके अंदर यहाँ पर डबल स्लाइडर और दो वो होंगे टर्निंग पेयर। तो अब हम देखते हैं कैसे, चूंकि इसके अंदर वहाँ पर लिंक वन फिक्स्ड था, कहाँ पर, स्कॉच योक मैकेनिज्म में। यहाँ पर हमने लिंक फोर को फिक्स्ड किया है, हमारा लिंक जो है वो वाला स्लाइडर है, लिंक थ्री भी स्लाइडर है, लिंक फोर फिक्स्ड है, और लिंक टू जो है वो हमारे पास क्रैंक है। तो वन और थ्री यहाँ पर स्लाइडर है, तो यहाँ से दो दो हमारे पास स्लाइडर हो गए, फोर हमारे पास लिंक हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब देखते हैं कैसे हो रहा है, यहाँ पर जो वन और जो थ्री लिंक से जो यहाँ से क्रैंक जा रहा है, इसका मतलब ये जब क्रैंक जब हम इसको फोर्थ लिंक को फिक्स करके जब क्रैंक के अंदर यहाँ से हम इसको रोटेट करेंगे, यहाँ से इसका पाथ जो है, ये पाथ यहाँ से डिसाइड कर रहा है, इसका पाथ यहाँ से पूरा जो यहाँ से फुल बनाएगा, यहाँ से ये इलिप्टिकल बनाएगा, मतलब इलिप्स की एक इलिप्स जनरेट होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल ट्रेमल बोल रहे हैं। इसका मतलब अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी डबल स्लाइडर और फिर दो यहाँ पर क्या हुआ है, स्लाइडर पेयर बन रहे हैं, और दो क्या हो रहा है, यहाँ से टर्निंग पेयर बन रहे हैं। कैसे, वन और टू में जो है वो आपका टर्निंग पेयर बन रहा है, टू और थ्री में टर्निंग पेयर, थ्री और फोर में स्लाइडर, और वन और थ्री में यहाँ से स्लाइडर पेयर बन रहा है। इसका मतलब यहाँ से दो तो स्लाइडर पेयर हो गए, दो यहाँ से आपके पास हो गए टर्निंग पेयर। तो गाइज ये हमारे पास पूरे इन्वर्जन थे जो हमने देखे। तो और भी आपके पास कोई भी डाउट हो तो वो फिर मुझसे पूछिए। थैंक यू।